Hey guys, how are you? I am from Radical Tech Art Solution Private Limited, and today we are going to discuss about the 8 channel relay to CU output. So जैसे कि आप देख सकते हैं guys, हमारे सामने अभी 8 channel relay module है. तो हमने पूरा अभी कनेक्शन किया हुआ है. तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे SMPS कनेक्ट किया हुआ है. उस SMPS की मदद से हम इसको 24 वाट सप्लाई दे रहे हैं, और हमने यहाँ पे बीच में पुश बटन रखा हुआ है, और एज ए इंडिकेटर हम इस बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो हमने पहले भी एक वीडियो 8 चैनल रिले मॉड्यूल का अपलोड किया हुआ है गाइस, बट वो 1 CU का है, ये 2 CU का है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सिंगल इनपुट पे, यहाँ पे आपको डबल आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको आउटपुट मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा. और जैसे कि आप जानते हैं कि ये रिले है, रिले मॉड्यूल्स है. सो हमने अभी सप्लाई दिया हुआ है, और अब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो सर्किट है ये पूरी कंप्लीट होगी, और यहाँ पे जो एज ए LED हमने बल्ब लगाया हुआ है वो ऑन होगा. तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि हमारे पुश करने से ये ऑन हो रहा है. और गैस, जैसे कि हमने कहा था कि ये 2 CU है, तो यहाँ पर सिंगल सप्लाई देने के साथ आपको डबल में आउटपुट मिलेगा. तो अब हम इसको यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है बल्ब को, जैसे कि आप देख सकते हैं. अब हम इसे यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इसका जो आउटपुट है वो नॉर्मल होता है कि नहीं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइज, हमने यहाँ पे कनेक्शन चेंज कर दिए है. तो अब हम वापस देखेंगे, ये पुश बटन को हमने अभी प्रेस किया है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ओमरॉन की 2 CU रिले है. तो यहाँ पे आपको सिंगल इनपुट में यहाँ पे आपको डबल आउटपुट मिल रहा है. और गाइज, ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं. सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विद फ्यूज़ 8 चैनल है, और विद फ्यूज़ 4 चैनल भी है, और विद फ्यूज़ डबल चैनल और सिंगल चैनल भी है, और ऐसे ही हमारे पास विदाउट फ्यूज़ मॉडल्स भी अवेलेबल है. तो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो ऑन ओमरॉन 8 चैनल 2 CU रिले मॉड्यूल पे. और होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.